हेलो फ्रेंड, मैं नीलवासी दरभंगा से आज सबको 14 अप्रैल बैसाखी के शुभकामना और बधाई देती हूँ। आज अम्बेडकर साहब जयंती भी है, उसके लिए भी बधाई देती हूँ। मैं पूजा के लिए आज के दिन से ही हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद चटनी खाते हैं। ये देखिए, ये मेरा पंचमुखी अपराजिता है, मेरा खिला हुआ है, ये घूम फिरना है। मैं अपने गार्डन का छोटा सा ओवर व्यू दे रही हूँ। ये देखिए, ये मोगरा का प्लांट है, बेली भी इसको कहते हैं। ये देखिए, मेरा छोटा सा पॉट में था, फिर मैंने इसको इसी बार रिपोर्टिंग बड़ा सा पॉट में किया है। ये परमानेंट प्लांट है, आपको ये 10-12 साल से मेरे पास छोटा सा ही है और ये हमेशा ही रहेगा। और अच्छा साफ रखेंगे तो ये नहीं जल्दी मरता है। ये मोगरा का प्लांट, देसी हिबिस्कस है, मेरे पास 5-6 हिबिस्कस का प्लांट है। ये व्हाइट अपराजिता, ये जात ही अभी भी खिला हुआ है। ये सब देखिए, ये मेरा अजवाइन का प्लांट है, इसे मैं कटिंग करके बहुत लगाऊंगी, फिर मैं उसका वीडियो दूंगी। इस तरह से मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू दे रही हूँ। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं जो कोई भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप सब लोग को मिलता रहे। ये देखिए, एक और मोगरा है मेरा, गर्मी में टमाटर नहीं होता है, लेकिन जो मैंने पहले लगाया हुआ है, अब मैं अभी सीडलिंग नहीं करूँगी, बरसात के बाद करूँगी, वही सब मेरा अभी फिर से टमाटर सब ये देखिए हो रहा है। ये देखिए, ये मेरा शिमला मिर्च भी, ये देखिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि मैं जो कोई भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप सब लोग को मिलता है। देखिए, मैंने मेरी गोल बहुत ज़्यादा लगा रखा है। ये देखिए पुदीना, ये आज चटनी बना के शुरुआत आरंभ करूँगी मैं। आम में इसका चटनी बहुत ही अच्छा लगता है। इसी के साथ आज मैं फिर एक बार सबको बैसाखी की शुभकामना और बधाई देती हूँ। इसी के साथ नीलिमा सिंह का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।